विकास कार्यों की समीक्षा करने प्रतापगढ़ आ रहे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की कार काफिले संग चल रही पुलिस एस्कॉर्ट से टकरा गई। एक्सीडेंट में उनके पैर में चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उनका इलाज कराया गया। यूपी के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद बुधवार को विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए प्रतापगढ़ आ रहे थे, जहां सबसे पहले उन्हें विकास भवन जाना था। इसके बाद उन्हें जिला पंचायत सभागार में मत्स्य पालकों को संबोधित करना था। करीब 10 बजे वह रायबरेली जिले के सलोन थाना क्षेत्र के करहिया बाजार के पास पहुंचे ही थे कि तभी उनके काफिले में साथ चल रही पुलिस एस्कॉर्ट के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया। अचानक ब्रेक लगने से मंत्री की कार टकरा गई। अचानक ब्रेक लगने से मंत्री जी के दोनों घुटनों में गंभीर चोटें आई। अधिक चोट होने के कारण उन्हें रायबरेली एम्स के बजाय मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ लाया गया, जहां डीएम संजीव रंजन और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार पहले से ही मौजूद थे। डॉक्टर मनोज खत्री और उनके टीम ने मंत्री जी का उपचार किया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के एक्सीडेंट की खबर से लखनऊ तक हड़कंप मचा रहा। जब तक मंत्री जी के कुशलता की सूचना शासन तक नहीं पहुंची, आला अधिकारियों के फोन घनघनाते रहे। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।